वॉच प्रेसिडेंट है। सर, यूथ को रिप्रेजेंट जैसे आप करते हैं, तो एक बड़ी समस्या है यूथ के बीच में जो है नशा, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, तो इसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, पहला तो ऐसा है कि आज के जो हालात जो चल रहे हैं नशे के, ये नशा तो बहुत चल रहा है, जैसा कि और उनके जिम्मेदार तो उनके माँ बाप होते हैं कि पहले जो बच्चे लोग का जो टाइम टेबल होता है उस पर उनको पाबंद होना चाहिए माँ बाप को। और रहा ये कि वो रात रात रहते नहीं हैं, तो उनका जिम्मेदार तो उनके माँ बाप हैं, उनको बच्चों से पूछना चाहिए कि आप किधर थे, अभी तक कहाँ थे, स्कूल से आ गए, क्लास से आ गए। और आज के इसमें छोटे छोटे बच्चे जो क्लास जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और वो इतना नशा करते हैं, तो फिर बड़ों का तो बोलना ही नहीं है। तो बोलने में मतलब ये है कि उनके पीछे माँ बाप भी है, और हमारे इधर के जो लोग जो ध्यान दे रहे हैं, तो वो सब तो अलग होता है। पहले तो उनके जिम्मेदार उनके माँ बाप होते हैं, वो तो ध्यान देते ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। ये बच्चों को कैसा हो गया है कि एक सीजन वाइज हो गया है, जैसा कि एक गर्मी सर्दी बुखार जैसा एक सीजन चलता है, तो ऐसा एक सीजन ये भी चल रहा है नशे का हो गया, कब्रिस्तान का मुद्दा हो गया, जो भी ऐसे मुद्दे जो चल रहे हैं, तो ये मुद्दे के साथ में एक नशे का भी मुद्दा चल रहा है। और ये मुद्दा जो है बहुत ज्यादा ही चल रहा है, उमरा में सबसे ज्यादा देखा जाए तो आज के इसमें नशा चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि नशा कहाँ कहाँ चल रहा है, लेकिन इसकी कैसे एक आवाज उठती है एक टाइम पे काफी जोर से उठती है, फिर रोके से एकदम पूरी बंद हो जाती है, फिर खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। तो वही बोलने का मतलब यही हो गया है कि लोग कोई जिम्मेदार नहीं बन रहे इस चीज के। हमारे जो यहाँ के जो सीनियर है और जो हमारे यहाँ के जो डिपार्टमेंट के पुलिस है, इन लोग पूरी कोशिश करते हैं, उन लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि हम लोग निकले। और यहाँ तक कि मैं खुद देखता हूँ उनको कि नाइट में जो उन लोग सिटी में जो राउंड मारते हैं, नशे वाले लोग को पकड़ते हैं, मित्तल ग्राउंड के अंदर मैंने देखा है, अरमास कॉलोनी के अंदर देखा है, सोनाजी नगर के अंदर देखा है, तो यहाँ पे मैंने खुद देखा है इनको पकड़ते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन अभी अगर आप दो को पकड़ के लेके जाते हैं तो छह और रेडी रहते हैं उधर नशा करने के लिए, और छह रेडी रहते हैं, तो दो को तो उनके साथ में छोड़ दिया। इतनी मेहनत करने के बाद इस पर पूरी तरह कंट्रोल क्यों नहीं आता? देखिए, अगर कंट्रोल करने के लिए अगर लोग बड़े बड़े अगर सपोर्ट करते हैं, पुलिस के भी सपोर्ट करने के लिए भी लोग चाहिए रहता है, पुलिस का सपोर्ट करने के लिए भी लोग चाहिए रहता है, लेकिन अभी कैसा है, अगर कोशिश करे तो वो खत्म होगा, अगर कोशिश ही इंसान ना करे तो उस पर कुछ नहीं होगा। लेकिन आज दो पे कार्रवाई होती है तो छह और खरीद के लाते हैं और दो को बढ़ा देते हैं, ऐसा भी चलता है। तो उस हिसाब से नशा बोले तो खत्म होना तो मुश्किल ही लगता है, लेकिन ये एक टाइम पे ऐसा होता है कि एक साथ मुद्दा चलता है और लास्ट में रुक जाता है, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलता है कि उसको रोकना चाहिए या बढ़ाना चाहिए। ओके, आपकी तरफ से एज ए यूथ प्रेसिडेंट, आपको एनसीपी के एक वार्ड अध्यक्ष के यूथ के, तो आपका क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि ये नशे को कम करने के लिए, और आप कुछ ऐसे आगे बढ़ेंगे कि इसमें कुछ जो अभी नशे का जो तादाद बढ़ती जा रही है इसमें कुछ इजाफा है? देखिए, पहला तो मैं हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो बेचारे नाइट ड्यूटी दे के भी और डे में भी वो ये नशा वो करते हैं, तो उनसे भी मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो जिम्मेदार हो उनसे भी, और मैं भी उनका सपोर्ट करने को रेडी हूँ, आप से नहीं हमको भी लेके आप काम करें, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नशा बंद करने की पूरी कोशिश की जाए। और जो बच्चे पीते हैं और उनसे उनकी इंक्वायरी निकाली जाए कि उन्होंने कहाँ से लाया है, उन्होंने कहाँ से खरीदा है, बच्चे की एज 15 साल है उसको किसने दिया है, बच्चे की एज 18 साल है उनको किसने दिया है, उसकी भी इंक्वायरी उससे निकालनी चाहिए, उस पर कार्रवाई करके उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उससे लास्ट तक की उसकी इंक्वायरी निकालनी चाहिए कि ये माल है, ये गांजा है, ये फॉरेक्स है, ये आपने कहाँ से खरीदा है, आप बताइए, आपको छोड़ दिया जाए। तो इससे पता चलता है कि ये बिजनेस कहाँ कहाँ बढ़ रहा है, लोगों को पता है कहाँ मिलता है, लेकिन अगर लोग अगर दिमाग लगा के उसको अगर कोशिश की जाए बंद करने की, तो वो रुक सकता है।